फिरोजाबाद में छत्तीस महासभा के गठन के लिए एक चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष का दायित्व दलजीत सिंह चौहान एवं युवा का दायित्व उदय प्रताप सिंह जादौन को दिया गया, जिसमें क्षत्रिय महासभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट है, स्केच न्यूज। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष का दायित्व श्री रणजीत सिंह चौहान साहब को दिया गया है और युवा का दायित्व जो है उदय प्रताप सिंह जादौन साहब को दिया गया है। ये जो चुनाव है विरोध हुआ है, सभी क्षत्रिय बंधु मिलकर के समाज को संगठित करेंगे और समाज को एकजुट करके शिक्षित करेंगे और सामाजिक समरसता पैदा करेंगे और जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं समाज में व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए काम करेंगे, जिससे कि सभी वर्गों को मिलाकर के एकजुटता बने, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब मिलकर के प्रदेश में अभी 29 और 30 तारीख को पिछले सितंबर में वहाँ पर लखनऊ में मीटिंग हुई थी और उसमें छत्तीस सभा का गठन को लेकर के ये राष्ट्रीय कमेटी बनी और राष्ट्रीय कमेटी ने ये तय किया कि हम प्रभावी तरीके से छत्तीस सभा को पुनः जीवित करने के लिए और इसमें नए संगठन में अच्छे लोगों को जुड़ लेने के लिए एक संगठन का गठन किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं योगेंद्र सिंह सिसोदिया, मुझे उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और हमारे साथ में बैठे इंजीनियर आर के सिंह जी राघव, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर दक्षांचल, आप उपाध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, और इस संगठन को के लिए लखनऊ से MLC साहब हैं, हमारे लाइब्रेरी से दिनेश सिंह जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इंजीनियर प्रभाकर सिंह जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, स्वामी सूर्यचंदन जी XMP इसके अखिल भारतीय छत्तीस सभा के संगठन मंत्री हैं। तो ये संगठन प्रभावी बनाने के लिए पुनः जो है इस समय की आवश्यकता को देखते हुए ये संगठन बनाया है। इसी परिप्रेक्ष्य आज हमने यहाँ पर फिरोजाबाद इकाई का गठन किया है, जिसमें हमने रणजीत सिंह जादौन को नगर अध्यक्ष और उदय प्रताप जादौन को रणजीत सिंह चौहान को नगर अध्यक्ष, उदय प्रताप जादौन को युवा सॉरी रणजीत सिंह चौहान को जिलाध्यक्ष और उदय प्रताप जादौन को युवा का अध्यक्ष बनाया है। और इसी आज हमारे बीच में नहीं है हमारे रविंद्र सिंह परियार जो हैं।